हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल OMZ थिंकर। क्या आपने सुना है कि कहीं बारात का स्वागत टमाटर से किया जाता है या दूल्हे को शादी से पहले सन्यासी बनने की सलाह दी जाती है? तो आइए आज जानते हैं देश विदेश के कई ऐसे ट्रेडिशंस के बारे में जो अजीबोगरीब हैं। शादी की किसी सेरेमनी में जाना बहुत अच्छा लगता है। दो लोगों का मिलन देखना, अलग अलग रीति रिवाज देखना बहुत अच्छा लगता है। हर इलाके जाति धर्म का शादी को लेकर अलग अलग तरह के रीति रिवाज होते हैं। कई को देखकर हमें अच्छा लगता है और कई को देखने के बाद हमें ये लगता है कि आखिर ये रीति रिवाज क्यों बनाए गए होंगे या क्यों मनाए जा रहे हैं। ऐसी ही शादियों में कई अजीबोगरीब रीति रिवाज फॉलो होते हैं जिन्हें सुनकर शायद आपको हंसी आ जाए। तो आइए ऐसी ही रीति रिवाज के बारे में आज जानेंगे। ये रिवाज है फ्रांस की। फ्रांस में नए जोड़े के दोस्त रिश्तेदार आकर रात में उनके कमरे में घर के बाहर आवाज़ निकालना शुरू कर देते हैं। वो गाना बजाना करते हैं। उसके साथ ही साथ वहाँ पर जोर से ड्रम भी बजाते हैं। नए दूल्हा दुल्हन को घर से बाहर आकर इन्हें खाना पीना और कई मामलों में तो पैसे भी देने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, कई बार तो अगर दूल्हा दुल्हन इन रिश्तेदारों और दोस्तों को इग्नोर करे तो कई बार ये लोग घर में घुसकर दूल्हे को उठाकर भी ले जाते हैं। अब हुआ ना ये अजीब रिवाज। और मॉरिटानिया में ये रिवाज है कि जितनी मोटी लड़की होगी उतनी ही अच्छी बात है। इसलिए कई बार तो माता पिता अपनी बेटियों को फैट कैंपस में भेज देते हैं ताकि वे वहाँ पे वजन बढ़ा सके। इस ट्रेडिशंस को लेबलो कहा जाता है। कई लड़कियों को तो ये जबरदस्ती खाना खिलाया जाता है ताकि उनका वजन बढ़ सके। ऐसे में लड़कियों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ हाँ भी हो जाती हैं, पर फिर भी इस देश का यही रिवाज है। दूल्हा दुल्हन पर काली पोती जाती है। नज़र न लगने पर काला टीका लगाया जाता है, लेकिन स्कॉटलैंड में तो दूल्हा दुल्हन पर पूरी तरीके से काली पोती जाती है। ये शादी का रिवाज इसलिए किया जाता है ताकि दूल्हा दुल्हन को शादी की कठिनाइयों का सामना करने में दिक्कत न हो। उन्हें कई अजीबोगरीब चीज़ों से नहलाया जाता है। ये अक्सर स्कॉटलैंड के ग्रामीण इलाकों में किया जाता है। 3 दिन तक बाथरूम नहीं जा सकते दूल्हा दुल्हन। ये बहुत ही अजीब रिवाज समझ में आता है, लेकिन बोर्नियो के टिडोंग जाति के लोगों का यही रिवाज है। उन्हें 3 दिन तक बाथरूम नहीं जाने दिया जाता, यानी उन्हें खाना पीना भी न के बराबर दिया जाता है। इसके अलावा उन पर पहरा देने के लिए समाज के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो मौजूद रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर ये लोग शादी के तुरंत बाद बाथरूम गए तो उन्हें बहुत बदनसीबी का सामना करना पड़ेगा। सिर पर मिट्टी के बर्तन रखकर पैर छूने होते हैं। ये बिहार के कई इलाकों का रिवाज है। शादी के बाद सास बहू के सिर पर मिट्टी के घड़े रखती हैं और दुल्हन को उन्हें सर पर लेकर बड़े बुजुर्गों के पैर छूने होते हैं। इस रिवाज के लिए माना जाता है कि जितनी अच्छी तरह दुल्हन सर पर घड़े रखकर सबके पैर छुएगी उतनी ही अच्छी तरह वो घर में रच बस जाएगी। और आलू और टमाटर से बारात का स्वागत किया जाता है। बारात का स्वागत हमेशा आरती की थाल से नहीं बल्कि टमाटर आदि से की जाती है। शादी में कई तरह के रिवाज होते हैं, लेकिन ऐसे बहुत ही अजीब है कि यहाँ आलू टमाटर फेंककर नज़र उतारने की कोशिश की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो रिश्ता बुराई से शुरू होता है वो प्यार में ख़त्म हो जाता है, इसलिए ये ज़रूरी है। दूल्हे को दिया जाता है सन्यासी बनने का लालच। ये शायद अपने आप में अनोखा रिवाज है, लेकिन तमिलनाडु में तमिल ब्राह्मण अय्यर शादियों में अभी भी सदियों से ये पुराना रिवाज अपनाए जा रहे हैं। शादी से पहले दूल्हे को कहा जाता है कि वो मंडप में न जाकर उसकी जगह सन्यासी बनने की सोचें। यह दुल्हन के पिता दूल्हे के पास जाकर उसे समझाते हैं और उसे गिफ्ट में भगवद गीता छाता, खड़ाऊ और हाथ से डुलाने वाला पंख दिया जाता है। तो हुए हैं ना ये अजीबोगरीब रीति रिवाज। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना,
कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।